नमस्कार, फोरम फोर की तरफ से मैं आव्या पांडे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित सकारात्मक राष्ट्रवाद और भविष्य के भारत के परिचर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय आमंत्रित हैं। अपने कुछ ऊर्जा करके आगे बढ़ने के बाद सकारात्मक राष्ट्रवाद अपने देश के समस्त ऊर्जा को जोड़ करके आगे बढ़ने के बाद नकारात्मक राष्ट्रवाद की बुनियाद है वो नफरत की बुनियाद पर खड़ा होगा। राष्ट्रवाद के ऊपर तो आपने इस बात पे जोर दिया है कि सकारात्मक राष्ट्रवाद में शिक्षा प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, तो मौजूदा दौर में जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या परिवर्तन आने चाहिए आपके विचार से? देखिए, इस देश के अंदर नई पीढ़ी की निर्माण की बुनियाद, देश के करोड़ों बच्चों की बुनियाद सरकारी स्कूल में पड़ती है, लेकिन पूरे देश के अंदर जो सरकारी शिक्षा तंत्र है वो कोलैप्स हो चुका है। हम लोगों का मानना यह है कि अगर नया भारत बनाना है तो नई पीढ़ी को शिक्षित करना पड़ेगा सही सोच के साथ, और उसके लिए सरकारी शिक्षा तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो इसको बात को दर्शा रहा है कि अगर नीति सही हो और नियति सही हो तो दिस इज़ ए पॉसिबल, ये संभव है, और मुझे लगता है कि यही वो रास्ता है जहाँ से भारत के नए निर्माण का, नए सोच का एक विकास हो सकता है। सर, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, मेरे ख्याल से सरकार के लेवल पे तो जितनी तरह की पहल हम सारा कर रहे हैं, अगर आपको पता हो कि हमने इस दिल्ली के अंदर ऑड इवन को भी लागू किया, लेकिन ये भी बुनियाद सोच से जुड़ा हुआ है। आज जो पोल्यूशन है वो कोई सरकार केवल अकेले इसको ठीक नहीं कर सकती है, सरकार और समाज के सहभागिता से ही दिल्ली के सांसों पर जो संकट है इसको ठीक किया जा सकता है। तो सर, जैसे पिछली सर्दियों में ऑड इवन लागू किया गया था, तो क्या आपकी सरकार इस बार भी ये लागू करेगी? वो तो फिर जो साइंटिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके राय के और अनुभव के आधार पे हम करते हैं। सर, 2019 के चुनावों के लिए आपका क्या एजेंडा है? नहीं, 19 के चुनाव के लिए हम लोगों का एक ही एजेंडा है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी और संविधान को संरक्षित किया जाए, क्योंकि संविधान रहेगा तभी आगे के देश का रास्ता खुलेगा। जो आज सकारात्मक राष्ट्रवाद और भविष्य के भारत पे बातचीत हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से देश में एक माहौल चल रहा है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का, और क्या होना चाहिए, देश के प्रति क्या प्रेम है आपका, तो इस विषय और दूसरी चीज़ जो हमारा विषय था सकारात्मक राष्ट्रवाद और भविष्य का भारत साइंस और एजुकेशन में, उस विषय पे हमने, इसे ज्वलंत मुद्दा है आज देश में, तो जिस प्रकार से हमारे गोपाल राय जी, माननीय गोपाल राय जी ने अपनी बातों को रखी बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कंक्लूड करके रखा कि स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से हमारे एक राष्ट्रवाद का क्या एक मानक था, उसका स्वतंत्रता संग्राम के बाद के जिस तरीके से बंगाल का विभाजन होता है, और आज वर्तमान समय में एक राष्ट्रवाद को किस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पे मॉब लिंचिंग होता है, हत्याएं होती हैं, दंगे होते हैं, जो एक कहीं ना कहीं नकारात्मक राष्ट्रवाद को दर्शाता है। एक सकारात्मक राष्ट्रवाद से एक नई सोच उभर के आनी चाहिए जो एक नए भारत का निर्माण करेगा। जब तक एक नई सोच से एक नए भारत का निर्माण नहीं होगा तब तक हम उस तरीके के नकारात्मक राष्ट्रवाद में उलझे रहेंगे। सकारात्मक राष्ट्रवाद और भविष्य के भारत पे जैसे कि आज चर्चा में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय जी ने कहा कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का सकारात्मक राष्ट्रवाद के लिए सशक्त होना जरूरी है, और हमें नकारात्मक राष्ट्रवाद से हटके सकारात्मक राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फोरम फोर। धन्यवाद।